लेक्चर में हमने बात की थी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के, बेसिकली वॉइस है क्या, ठीक है, इनकी डेफिनेशन देखी थी हमने एक्टिव पैसिव वॉइस की। इसके बाद वर्ब की टाइप्स देखी थी, उस पर थोड़ी कुछ बात की थी, और कुछ मैंने आपको डिटेल से जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी वहां से आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस का, ठीक है। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एक्टिव पैसिव वॉइस के, ठीक है, जिससे आपको अंदाजा होगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जुमला कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है, उसके क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट्स हैं। अच्छा, सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। पहला रूल हमारे पास क्या है, कोई भी जुमला जो एक्टिव वॉइस में है उस जुमले को पैसिव वॉइस में तब्दील करना है तो उसकी जो उसका तरीका होगा उसकी बुनियाद तीन चीज़ों पर है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे इसकी एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि सना राइट्स अ लेटर, ठीक है, ये एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, ठीक है, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, इसमें सना हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, राइट्स हमारे पास वर्ब आ गया, और अ लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब नीचे ही इसी जुमले को मैं अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूंगी, कैसे, अ लेटर इज रिटन बाय सना, ठीक है। अब ये जुमला मैंने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया, इसमें अब हमारे पास देखें कि आ लेटर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया और सना ऑब्जेक्ट की जगह आ गया, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि दो चेंजेस आती हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, ठीक है, फाइल मफूल बन जाता है और मफूल फाइल बन जाता है, ठीक है। अब यहां देखें आ लेटर जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ गया, क्रॉस में बात होगी सना और आ लेटर, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें क्या आई, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया। थर्ड चीज रिटर्न, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई, और यूज ऑफ बाय, बाय का यूज हुआ। ये बातें आपने अपने माइंड में रखनी है कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चीजें सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे इसमें चीजें कौन कौन सी ऐड होंगी। सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब ऐड होगा, ठीक है, दूसरा हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, और तीसरा हमारे पास यूज ऑफ बाय होगा, ठीक है। दूसरा आपको पता ही है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह एंड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, ठीक है। ये हमारे पास था सबसे पहला रूल। सेकंड रूल हमारे पास आ जाता है कि हर फिक्रे का सब्जेक्ट उसके ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे यहाँ पे सना राइट्स अ लेटर, आ लेटर रिटन बाय सना, अब यहाँ पे जो हर सब्जेक्ट है सना सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट की जगह ले लिया, और लेटर ऑब्जेक्ट था उसने सब्जेक्ट की जगह ले लिया। हर फिक्रे का सब्जेक्ट उसके ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा और ऑब्जेक्ट उसके सब्जेक्ट की जगह लेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक जो चीज आपने नोट करनी है, अपने माइंड में रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब जो होंगे, जैसे यहाँ पे इज का यूज हुआ, ठीक है, वो टेंसेस के मुताबिक, जमाने के मुताबिक तब्दील होंगे, ठीक है। अगर हमारे पास जो एक्टिव वॉइस का फिक्र है वो यहाँ पे पास्ट में आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास पास्ट वाले यूज होंगे, अगर फ्यूचर में आ जाता है तो फ्यूचर वाले यूज होंगे, ठीक है। हर टेंसेस के बदलने के साथ भी हेल्पिंग वर्ब भी बदलेगा, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास रूल है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। जैसे यहाँ पे राइट से रिटन यूज हुआ तो राइट से रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। हमेशा जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, चाहे वो कोई भी जमाना हो गया, ठीक है। फोर्थ रूल हमारे पास आ जाता है कि थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाया जाता है, ठीक है। जब आपको यहाँ पे सोच रहे होंगे बाय यहाँ पे क्यों आ गया, तो इसका ये एक्टिव पैसिव वॉइस के रूल्स में शामिल है कि थर्ड फॉर्म जैसे ही हम यूज करेंगे तो थर्ड फॉर्म के बाद हमने बाय का इस्तेमाल लाजमी करना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से पहले। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्टिव फिफ्थ रूल, एक्टिव वॉइस का फिक्रा जिस टेंस में होगा पैसिव वॉइस का फिक्रा भी उसी टेंस में होगा, ठीक है। अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट में आ जाता है तो ये जो पैसिव वॉइस का फिक्रा होगा वो भी प्रेजेंट में आएगा, ठीक है, इज यूज हुआ इज हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस का जुमला पास्ट में आ जाता है तो पैसिव वॉइस का जुमला भी पास्ट में आएगा, अगर फ्यूचर में आ जाता है तो पैसिव वॉइस का जुमला भी फ्यूचर में आएगा, ठीक है। सिक्स्थ रूल हमारे पास आ जाता है, अगर एक्टिव वॉइस का फिक्रा व्हाट, व्हाई, वेयर,
एक्सेट्रा, मतलब जितने भी डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स हैं, मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स में कौन कौन से आ जाते हैं, व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, हाउ, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस का फिक्रा हो, ठीक है, वहाँ पे अगर व्हाट, व्हाई, वेयर, ये ऐसे वर्ड्स आ जाएँ, ठीक है, तो मतलब स्टार्टिंग में आ रहे हैं, ठीक है, जुमला ही से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में कि व्हाई, सबसे पहले व्हाई आ रहा है, व्हाई से, वेयर से, व्हाट से, अगर जुमले स्टार्ट हो रहे हैं तो आपने क्या करना है कि पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त फिक्रे के शुरू में यही अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे, ठीक है। अगर हम अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में हु आ रहा है तो जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो तब भी हम स्टार्टिंग में हु ही लिखेंगे, ठीक है, व्हाट ही लिखेंगे, वेयर ही लिखेंगे, ठीक है। उसके फौरन बाद हमने हस्बैंड जरूरत कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। और एक और आपने बात याद रखनी है कि तमाम जो जुमलों में हेल्पिंग वर्ब के बदलने से जमाना बदल जाएगा, ठीक है। कैसे, अगर हमारे पास सेंटेंस प्रेजेंट में है, हेल्पिंग वर्ब हमने लगाया प्रेजेंट टेंस का, तो पूरा का पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में ही चेंज होगा, ठीक है। अगर पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है तो पास्ट में चेंज होगा, फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब है तो फ्यूचर में चेंज होगा, पूरे का पूरा जो जमाना है वो बदल जाएगा। इसके बाद आ जाता है अगर सेवंथ रूल हमारे पास आ जाता है, अगर एक्टिव वॉइस का फिक्रा हु से शुरू हो रहा हो तो उसको पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त फिक्रे के शुरू में बाय होम इस्तेमाल होगा, ठीक है। हु भी डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स का ही लफ्ज है, लेकिन ये बात आपने एक याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर एक्टिव वॉइस में हमारे पास हु यूज हो रहा है तो आपने पैसिव वॉइस में डायरेक्ट आपने बाय होम यूज करना है, ठीक है। बाय होम से आपने सेंटेंस का इस्तेमाल शुरू बाय होम से आपने करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सना बायज अ पेन एक्टिव वॉइस में है, देखें मैं दोबारा आप एग्जांपल देने के समझा रही हूँ, यहाँ पे हमारे रूल सेवंथ रूल तक क्रॉस का निशान दरमियान में मैंने क्यों डाल दिया कि सना जो है वो यहाँ पे सना यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो जब पैसिव वॉइस में चेंज हुआ तो सना ऑब्जेक्ट की जगह चली गई, ठीक है। बायज आया और पेन पेन जो है वो ऑब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट की जगह आ गया, ठीक है। आ पेन, इसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ, सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट में था इसलिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय की थर्ड फॉर्म क्या थी, बॉट, और थर्ड फॉर्म के फौरन बाद हमने यूज किया बाय, और इसके बाद जिस तरह मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट यूज होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एट रूल जो आ जाता है वो क्या है कि अगर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में किसी नाउन के बजाय प्रोनाउन हो तो पैसिव वॉइस में उस प्रोनाउन को दर्ज ज़ैल शक्ल में तब्दील किया जाता है, ठीक है, उसको केस ऑफ प्रोनाउन बोलेंगे। क्या मतलब इसका कि अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट किसी नाउन के बजाय प्रोनाउन हो, ठीक है, प्रोनाउन आ जाता है जिस तरह आई, वो, यू, दे, ही, शी, ठीक है, प्रोनाउन होगा तो उस प्रोनाउन को दर्ज ज़ैल शक्ल में कैसे हम प्रोनाउन को तब्दील करेंगे पैसिव वॉइस में, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्रोनाउन तो पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, अगर एक्टिव वॉइस में आई यूज हो रहा है तो पैसिव वॉइस में हम क्या यूज करेंगे, बाय मी, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे अगर यहाँ पे जिस तरह शी राइट्स अ लेटर लिखे, यहाँ पे लिखा है कि आई राइट्स अ लेटर, तो मैं क्या लिखूंगी, अ लेटर इज रिटन बाय मी, ठीक है। यहाँ पे इस तरह वी यूज हो रहा है तो यहाँ पे हमने पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में हम यूज करेंगे बाय अस, यू यूज होगा तो बाय यू, ही यूज होगा बाय हिम, शी यूज होगा बाय हर, इट यूज होगा बाय इट, दे यूज होगा तो बाय देम, हु यूज होगा तो बाय होम। ये मैंने आपको पीछे रूल भी बताया कि जहां पे अगर जुमले के स्टार्ट पे हु यूज हो रहा है तो हम पैसिव वॉइस में बाय होम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसी एग्जाम्पल में अगर यहाँ पे शी यूज हो रहा है तो यहाँ पे अ लेटर इज रिटन बाय हर, शी की जगह बाय हर यूज हो गया। अगर यहीं पे ही यूज हो गया होता था तो यहाँ पे बाय हिम यूज हो जाता, अगर वही यूज हो जाता तो यहाँ पे बाय अस यूज हो जाता, ठीक है। इस तरह एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्रोनाउन को हम पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास केस ऑफ प्रोनाउन रूल्स, हमारे पास क्या आ जाता है, अगर एक्टिव वॉइस में अगर कोई ऑब्जेक्ट यानी मफूल प्रोनाउन हो तो उसको पैसिव वॉइस में दर्ज ज़ैल शक्ल में तब्दील किया जाएगा, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस में कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो अगर प्रोनाउन है, ठीक है, आई, वी, दे, या जिस तरह मैं आपको अगर एग्जांपल से समझाऊंगी कि इसका क्या मतलब है कि एक्टिव वॉइस में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यानी मफूल प्रोनाउन हो तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाएगा। अभी मैंने पीछे जो आपको टेबल बना के बताया उसका उल्ट कर लें, ठीक है, एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पैसिव वॉइस सब्जेक्ट प्रोनाउन। इसमें क्या होगा, जहाँ पे मी आएगा वहां पे आई आ जाएगा, ठीक है,
यहाँ पे अस आएगा, वहां पे वी, यू, यू, हिम आएगा, ही आ जाएगा, हर आएगा तो शी आ जाएगा, इट के साथ इट, देम के साथ दे, हुम के साथ हु। ठीक है, एग्जांपल इसके यहाँ पे मैं बता रही हूँ, जैसे कि शेरी बीट्स मी। ठीक है, इस ये एक्टिव वॉइस है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट, मैंने अभी ऊपर आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट यानी मफूल प्रोनाउन हो, प्रोनाउन होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे मी, ही, शी, इट आ रहा है, ये सब प्रोनाउन है। अगर यहाँ पे मी आ गया, प्रोनाउन आ जाता है, तो जब इसको पैसिव वॉइस में हम तब्दील करेंगे तो कैसे करेंगे? मी को क्या मैंने आपको बताया कि मी में यूज हुआ तो पैसिव वॉइस में आई में चेंज हो जाएगा, मी आई में चेंज होगा। ठीक है, आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम यूज होता है। आई एम बीटन बाय शेरी, बीट्स की थर्ड फॉर्म बीटन बाय शेरी, पैसिव वॉइस में चेंज हुआ तो। सेकेंड एग्जाम्पल, यू टीच अस, एक्टिव वॉइस में है तो अस का क्या बताया था मैंने आपको, एस अस का वी बताया था, वी आर टॉट बाय यू। आर यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में, टेंसेस जब मैंने आपको बताए थे उसमें मैंने ये बात वाजे की थी कि आर जो है वो किन किन के साथ लगता है। यू के साथ आर यूज होगा, ठीक है, वही के साथ भी आर यूज होता है। यहाँ पे क्या, वी आर टॉट बाय यू, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट। ठीक है, ये एग्जाम्पल है कुछ, ये था हमारे पास नया रूल, नवा रूल। इसके बाद मैं आपको अगर इसका निचोड़ करके बताऊं, ठीक है, ये टेबल इसके सामने मैंने आपके लाया है, इसमें पर्सन्स बताऊंगी आपको, सब्जेक्टिव कंडीशन फाइली हालत और ऑब्जेक्टिव कंडीशन मफूली हालत। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आ जाता है आई और वी, ठीक है, फाइली हालत सब्जेक्टिव कंडीशन है ये। ठीक है, उसकी ऑब्जेक्टिव कंडीशन हमारे पास क्या आएगी, आई मी और वही अस में चेंज हो जाएगा। सेकेंड पर्सन हमारे पास आ जाता है यू, यू ऑब्जेक्टिव कंडीशन में भी यू ही रहता है। थर्ड कंडीशन, थर्ड पर्सन हमारे पास आ जाता है, उसमें कौन कौन सी चीजें सब्जेक्ट आ जाते हैं, ही, शी, इट और दे। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स किस में चेंज हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्टिव कंडीशन में जाएंगे तो हिम में, हर, इट और देम में। ठीक है, ये हमारे पास टेबल, इसको अगर आप अपने माइंड में रख लें तो आपको मुश्किल नहीं होगी। आपने जो नोटेड पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है, वो सबसे अहम बात अपने माइंड में रखनी है कि एक्टिव वॉइस में 12 टेंसेस होते हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको अपने जो पिछले लेक्चर उसमें मैंने आपको टेंसेस का जब इंट्रोडक्शन दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हर टेंस तीन जमाने होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, उनके फर्दर आगे से फोर काइंड होती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि हर टेंस की जो आखिरी काइंड है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, उसके पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, इस बार से तीनों टेंसेस की तीन तीन काइंड्स के पैसिव वॉइस बनेंगे। फर्स्ट जो काइंड्स हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक, पास्ट परफेक्ट टेंस तक और फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक, वहां तक जस्ट पैसिव वॉइस बन सकते हैं, उनकी आखिरी काइंड के पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे। ठीक है, ये बात आप अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, ये थे मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ वॉइस जो मैंने आज आपको बता दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात, रूल्स आप अपने माइंड में रख लें तो इंशाल्लाह ताला आपको एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब जब करें तो साथ लगी हुई बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।